तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित भारती, सुश्रुत आयुर्वेद दर्शन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास पेशेंट आए हैं महाराष्ट्र पुणे से आए हैं मारुति, बहुत प्यारा नाम है और इंसान भी बहुत प्यारे हैं। ये वैस्कुलर नेक्रोसिस है, बायलैटरल है ना, लेकिन खास बात यह है ये 2022 की रिपोर्ट है, पहला महीना और 18 तारीख का ये रिपोर्ट है। ये वैस्कुलर नेक्रोसिस है बायलैटरल। अब देखिए, सबसे पहले मैं चीज देखने वाली ये है, ये वैस्कुलर नेक्रोसिस जो है अब एडवांस स्टेज का हो चुका है, 23/5/2023 की रिपोर्ट है। इसमें सबसे मेन चीज यह है, हेड ऑफ फीमर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ये वाला भी और ये वाला भी। दोस्तों सबसे पहले ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, हेड ऑफ फीमर जो है यहाँ से क्रैक है, यहाँ से भी क्रैक है और ये क्रैकनेस यहाँ से भी गई हुई है ना, और ये वाला जो क्रैक है यहाँ से और यहाँ तक क्रैक है। अगर हेल्दी सेल्स मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से शुरू होता है नीचे, और हेल्दी सेल्स अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से शुरू होता है नीचे, इससे ऊपर तो ये पूरा जाने के मोड में है। हेड ऑफ फीमर की स्थिति ज्यादा सही नहीं है, ज्यादा मूवमेंट होगा तो हो सकता है डेड ऑस्टोसाइट के साथ कुछ हेल्दी सेल्स भी चले जाए, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नॉन बेनिफिशियल होगा। चलो मारुति सबसे पहले से डिसाइड करो, सबसे पहले मारुति ये वाला पैर खड़ा हो, देखो ये भी ऑलमोस्ट पैरालाइज की कगार पर है, ये वाला पैर खड़ा हो, बस इसको भी इतना ले आना और बस ये वाला घुटना और ये वाली कोहनी जुड़ा। ठीक है, इतना है, इतना और आ जाएगा, ये वाले घुटना वो वाली को निकला, बहुत क्रिटिकल कंडीशन, इतना बड़ा ध्यान है लेकिन इतना ध्यान है। आलती बाल्टी मार के दिखाइए, आलती बाल्टी मार के दिखाइए, करो पोजिशन गलत है, ये मुड़ता है और कोई नहीं मुड़ता है, मुड़ता है, कोशिश करो, कोशिश करो, बोलो सवाल, क्योंकि एक हफ्ते बाद मोड़ना भी है ना। हाँ एक हफ्ते बाद मुड़े गए, पूरा स्टक होता है। अब आप एक काम करिए ना, उठक बैठक मरवानी है आपसे, ना साइड की एक्सरसाइज करवानी है, ना के बराबर करवानी, ठीक है, करवानी सब है लेकिन ना के बराबर चीजें होंगी। देखो ठीक होने की दो परिभाषाएं हैं, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस में लोग बंदे समझ नहीं पा रहे हैं ठीक होने की क्या परिभाषा है। ठीक होने की दोस्तों दो परिभाषाएं होती है ए वैस्कुलर नेक्रोसिस में, एक तो सड़न रुकनी और एक रिवर्स रिपोर्ट आ गई, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सड़न रुकना पहले मेन जरूरी है, सड़न रुक गई तो रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, नो डाउट। पहले स्टेप है सड़न रुकना, तो आपने सिर्फ सड़न रुकने पर ध्यान देना है, ये मत बोलना सर मूवमेंट नहीं आई, ये मत बोलना सर दर्द अभी भी ऊपर नीचे चल ही रहा है, दर्द मैनेज होगा नो डाउट, सड़न की वजह से दर्द है ना, तो सड़न खत्म तो दर्द खत्म। तो दोस्तों एक हफ्ते बाद मिलते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल टास्क है लेकिन इसे भी पूरा करेंगे, भगवान धन्वंतरि की कृपा रही है ना। आपकी बिफोर की वीडियो भी इसके साथ ऐड कर दी जाएगी, क्या उठता था ये बिफोर? नहीं उठता था, बिल्कुल नहीं उठता था ना, अभी उठ रहे ना चीजें। मूवमेंट लाना बड़ी बात नहीं है ये वैस्कुलर नेक्रोसिस के ट्रीटमेंट में, ना मूवमेंट लाना बड़ी बात है ना पेन मैनेजमेंट करना बड़ी बात है। असल में इतने सारे लोग जो मेरे पास आए हैं ना, वो किस लिए आए हैं सच बताओ, किस लिए आए हैं? इवन क्योर करने के लिए, अच्छे से ना आप मेरे पास पेन भगाने के लिए आए हो और ना मूवमेंट के लिए आए हो, ये तो चीजें उसके साथ खुद ब खुद हो जाती हैं। मिलाओ दोनों को, मिलाओ पकड़ के मिलाओ दोनों, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये वाला मिलाओ, चलो बहुत बढ़िया, सच में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है। आओ आज की बात मान के बैठो, आपको कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? उठक बैठक में, मतलब ये आधी बाती बैठने में, वो तो अभी आ जाएगी। लो हाथ करो मुझे, हाथ करो, पकड़ो पकड़ो, लंबी सांस लो, हिम्मत रखो, हो गया मान लो, बस बहुत बढ़िया, हो गया। लंबी सांस लो, लंबी सांस लो, लंबी सांस, लंबी सांस लो, बस लेफ्ट लेफ्ट, इनके लिए भी ढेर सारी तालियां, बैठा जा रहे हैं ना, पीछे मत जाना। देखो अब आप सब लोगों की जिनकी उठक बैठक, जिनकी हाथी पाथी अभी आई है ना,
उनके लिए क्या है टास्क, इनको दिन में जो है ना 6-6 मिनट प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करो फट से निकल जाओ इस दुनिया से, एवियन की दुनिया है यार अभी अभी एवियन की दुनिया है।